नमस्कार, मैं डॉक्टर सरवन सैनी। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। भारत में राष्ट्रवाद का उदय भारत के इतिहास की एक बड़ी और महत्वपूर्ण घटना है वो मानी जाती है। अंग्रेज़ों से आने से पूर्व भारत एक इतना बड़ा राष्ट्र नहीं था। यहाँ राजनीतिक एकता का अभाव था। यहाँ एक राष्ट्र के स्थान पर अनेक सैकड़ों राज्य थे। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, लेकिन यहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जो केवल लाभ कमाने के लिए भारत में आई थी, इसलिए उसने व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत पर शासन किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत में जो है आर्थिक स्थिति है वो अत्यंत दयनीय हो गई। गरीबी फैल गई, बेरोजगारी फैल गई, देश के उद्योग धंधे चौपट हो गए, कृषि व्यवस्था चौपट हो गई, जिससे आकर्षित होकर भारतीय लोगों ने पहली बार 1857 में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ एक संगठित क्रांति है वो की। और ये 1857 की क्रांति के बाद ही भारत में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया है वो प्रारंभ है वो हुई। तो भारत में जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, राष्ट्रवाद की जो भावना लोगों में उत्पन्न हुई, वो एक भारत के इतिहास की बड़ी घटना है। और ये जो राष्ट्रवाद की जो भावना भारतीय लोगों में उत्पन्न हुई वो किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि यह राष्ट्रवाद का जो उदय है वो अनेक कारणों का सामूहिक परिणाम था। तो आइए अब अपन जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, इस राष्ट्रवाद के उत्पत्ति में किन किन कारणों का योगदान था। तो आइए अब जानते हैं राष्ट्रवाद के उदय के कारण। पहला कारण है 1857 का विद्रोह। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो पहला और महत्वपूर्ण जो कारण माना जाता है वह माना जाता है 1857 की क्रांति का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक दृष्टिकोण से जो है भारत पर शासन किया, भारतीयों का भयंकर शोषण किया, जिससे असंतुष्ट होकर जो है भारतीयों ने पहली संगठित क्रांति जो है 1857 में की। यद्यपि यह क्रांति सफल नहीं हो पाई, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस क्रांति को दबाने के लिए जिन अमानवीय तरीकों को अपनाया उनके परिणामस्वरूप भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ और यहीं से भारतीयों में राष्ट्रवाद के भाव है वो उत्पन्न होने लगे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो दूसरा कारण है वो माना जाता है भारत में राजनीतिक एकता को। अंग्रेज़ों के आने से पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। भारत एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि यहाँ अनेक राज्य वो हुआ करते थे। अंग्रेज़ों के शासन की एक बड़ी दयनीय थी कि अंग्रेज़ों ने पूरे देश को एक राजनीतिक एकता प्रदान की और पूरे भारत में एक जैसी शासन प्रणाली की स्थापना की, एक जैसे कानून को लागू किया, एक जैसी न्याय प्रणाली की स्थापना की, जिसके परिणामस्वरूप भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई और इस राजनीतिक एकता ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय को है वो राष्ट्रवाद के उदय में अपना योगदान दिया। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए अगला जो कारण उत्तरदायी माना जाता है वह है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में भारत में अनेक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। इन सुधार आंदोलनों ने भी भारत में राष्ट्रवाद के विकास में काफ़ी योगदान दिया। इस युग में स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट जैसे अनेक समाज सुधारकों ने भारतीयों को भारत की महानता को समझाने का प्रयास किया और भारतीयों में आत्मगौरव की अनुभूति करने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई और यहीं से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना प्रारंभ हुआ। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अगला कारण जो उत्तरदायी माना जाता है वह होता है पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेज़ों ने भारत में अपने राष्ट्रवादी हितों को पूरा करने के लिए
पश्चिमी शिक्षा पद्धति को लागू किया, लेकिन इस पश्चिमी शिक्षा पद्धति ने भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया। पश्चिमी शिक्षा से भारतीय जो हैं, भारतीय लोग हैं, वो पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आए, पश्चिमी दार्शनिकों के संपर्क में आए और भारतीयों में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता और स्वराज्य की भावना का इससे विकास हुआ। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के कारण भारतीयों को विदेशी स्वतंत्रता आंदोलनों का ज्ञान हुआ। इन सभी कारणों से भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जो अगला कारण उत्तरदायी माना जाता है वह है भारतीयों का विदेश गमन। 19वीं शताब्दी में अनेक भारतीय हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में गए और वहाँ विदेशों में उन्होंने लोकतंत्र और संवैधानिक शासन को देखा। विदेशों में उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का पाठ सीखा और जब वो भारत में आए तो अपेक्षा की कि भारत में भी इसी तरह का लोकतांत्रिक और संवैधानिक शासन स्थापित हो, भारत में भी सबको समानता और स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हो। तो इस प्रकार जो भारतीय विदेश जाकर आए उसके परिणामस्वरूप भी भारत में जो राष्ट्रवाद का जो भाव है वो विकसित है वो हुआ। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जो उत्तरदायी अगला कारण है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधानों का भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी माना जाता है। 19वीं सदी में अनेक देशी और विदेशी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का अनुसंधान किया और अनुसंधान में यह पाया कि भारतीय सभ्यता किसी भी दृष्टि से यूरोपीय सभ्यता से हीन नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता यूरोपीय संस्कृति से श्रेष्ठ है। इसके परिणामस्वरूप भारतीयों में अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न हुआ। भारतीयों में आत्मसम्मान की अनुभूति है वो हुई। तो इस प्रकार ऐतिहासिक अनुसंधानों ने भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय में अपना योगदान दिया है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए अगला कारण उत्तरदायी माना जाता है वह है समाचार पत्रों का विकास। पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजों के प्रभाव से भारत में प्रेस का विकास हुआ और देश में अनेक भाषाओं में जो है समाचार पत्रों का प्रकाशन होने लगा। इन समाचार पत्रों के द्वारा भारत में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया गया तथा अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के कारण जो है साहित्य का भी विकास हुआ और साहित्य के द्वारा भी जो है वो भारत में राष्ट्रवाद के विकास में योगदान है वो दिया गया। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का के लिए उत्तरदायी अगला जो कारण माना जाता है वह है आर्थिक असंतोष। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो है वो भारतीयों का भयंकर आर्थिक शोषण किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीयों का भयंकर आर्थिक शोषण किया। अंग्रेजों की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश के उद्योग धंधे और कृषि व्यवस्था है वो चौपट हो गई, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय बेरोजगारी, निर्धनता और भुखमरी के शिकार हो गए, जिसके परिणामस्वरूप भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ और भारतीयों में यह भाव उत्पन्न हुआ कि भारतीयों की इस दुर्दशा से मुक्ति तभी मिलेगी जब भारतीयों को अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार जो आर्थिक जो समस्याएं थीं उनके परिणामस्वरूप भी भारत में राष्ट्रवाद का उदय है वो हुआ। राष्ट्रवाद के उदय के लिए अगला कारण उत्तरदायी माना जाता है वो है भारतीयों को उच्च पदों से पृथक करने की नीति। ब्रिटिश सरकार दिखावे के तौर पर भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना चाहती थी, लेकिन ये केवल दिखावे की नीति थी। ब्रिटिश सरकार की मंशा ये थी कि भारतीय जो है उच्च पदों से पृथक रहें और भारतीयों को उच्च पदों से पृथक करने के लिए ब्रिटिश सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही थी। जैसे
उच्च पदों पर भर्ती के लिए जो आईएएस की परीक्षा होती थी वो अंग्रेजी माध्यम में होती थी, ताकि भारतीय हैं वो उस परीक्षा को पास नहीं कर सके। इसके अलावा जो भर्ती परीक्षा होती थी वो लंदन में ली जाती थी, ताकि भारतीय वहाँ तक नहीं पहुँच सके। इसके अलावा जो भर्ती की जो न्यूनतम आयु सीमा थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ताकि भारतीय जो हैं उस परीक्षा में जो है शामिल न हो सके। इसके अलावा भी जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष जैसे लोगों ने इस परीक्षा को सफल करने के बावजूद भी उन्हें केवल घुड़सवारी नहीं आने के बहाना बनाकर इसमें प्रवेश से वंचित है वो कर दिया गया। तो इस प्रकार जो भारतीयों को ब्रिटिश सरकार जो उस पदों से वंचित करने की नीति अपना रही थी, इसके परिणामस्वरूप भी शिक्षित भारतीयों में असंतोष है वो उत्पन्न हुआ। राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण जातिगत भेदभाव को भी माना जाता है। अंग्रेज भारतीयों के साथ जातिगत भेदभाव करते थे, भारतीयों के साथ हीनता का व्यवहार करते थे, भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। वे भारतीयों को काले आदमी, आधे वन मानुष और जंगली कहकर भारतीयों का उपहास है वो उड़ाया करते थे। अंग्रेजों की यह जातिगत भेदभाव की नीति थी, इसके परिणामस्वरूप भी अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों में असंतोष है वो उत्पन्न हुआ। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जो अगला कारण उत्तरदायी माना जाता है वह है यातायात और संचार के साधनों का विकास। अंग्रेजों ने भारत पर अपने साम्राज्य की पकड़ को मजबूत करने के लिए यहाँ पर संचार और यातायात के साधनों का विकास किया। इनके विकास का भारतीयों पर भी प्रभाव पड़ा। यातायात और संचार के साधनों के विकास से भारतीयों का आपस में मेलजोल बढ़ा, विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसके परिणामस्वरूप भी भारत में राष्ट्रवाद के विकास को वो योगदान मिला। अगला कारण है विदेशी स्वतंत्रता संग्रामों का प्रभाव। तात्कालीन परिस्थितियों में दुनिया के अन्य देशों में जैसे इटली है, जर्मनी है, सोमानिया है, सर्बिया है आदि देशों के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिसका प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ा। इन विदेशी स्वतंत्रता आंदोलनों ने भारतीयों को भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित है वो किया। राष्ट्रवाद के उदय के लिए अगला जो कारण उत्तरदायी माना जाता है वो बताया जाता है लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियाँ। 1876 से 1880 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड लिटन रहा। लॉर्ड लिटन ने भारतीयों के प्रति जो दमनकारी नीतियाँ अपनाई उसके कारण भी भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ। लॉर्ड लिटन ने अनेक गलत नीतियाँ भारतीयों के प्रति अपनाई, जैसे उनकी नीतियों से भारत का सूती वस्त्र उद्योग है वो नष्ट हो गया। आईएएस की परीक्षा की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 से घटाकर 19 कर दी गई। 1877 में जब भारत में भयंकर अकाल पड़ा था उस समय उसने दिल्ली में राजदरबार पर लाखों रुपए खर्च किए। भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध है वो लगा दिए। शस्त्र अधिनियम लागू करके भारतीयों को शस्त्र रखने के अधिकार से वंचित कर दिया। तो इस प्रकार लॉर्ड लिटन ने भारतीयों के प्रति जो दमनकारी नीतियाँ अपनाई उनके कारण भारतीयों का ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश है वो चरम पर पहुँचा। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए एक उत्तरदायी कारण माना जाता है इल्बर्ट बिल विवाद को। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? इल्बर्ट बिल विवाद ये था कि 1883 में तात्कालीन गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड रिबन थे उन्होंने वो एक संसद में कानून लेकर आए, उसका नाम इल्बर्ट बिल था। इस इल्बर्ट बिल में ये प्रावधान था कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश अंग्रेज अपराधियों का मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार इस कानून के द्वारा दिया जाना प्रस्तावित था। ये बिल जब लाया गया था इस बिल का अंग्रेजों ने संगठित विरोध किया। अंग्रेजों का यह मानना था कि कोई भारतीय जो है भारतीय न्यायाधीश है वो अंग्रेज अपराधियों का मुकदमा क्यों सुन सकता है। ये जो विवाद उत्पन्न हुआ इस विवाद से भारतीयों में ये भावना तो स्पष्ट हो गई कि अंग्रेजों में किस तरह से जातीय श्रेष्ठता का भाव निहित है। एक अंग्रेज अपराधी भी अपने आप को भारतीय न्यायाधीश से श्रेष्ठ है वो मानता है। तो
तो इससे ये जो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ, इससे अंग्रेज़ों की जातिगत भेदभाव की जो नीति है वो जो है स्पष्ट है वो हो गई। तो ये वो सारे कारण हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रवाद की भावना की उत्पत्ति में अपना सामूहिक योगदान है वो दिया है। धन्यवाद।